इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2024 से किया गया है, जिसके द्वारा के आपकी रिटर्न्स इनवैलिड भी हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनवैलिड रिटर्न और डिफेक्टिव रिटर्न्स कब हो सकती हैं और आपको इन नई प्रोविजंस के बारे में जानना होगा ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट रूल भी चेंज कर रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे रेगुलर टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जब भी कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, फाइल करने के बाद उसे रिटर्न वेरीफाई भी करनी होती है। वेरिफिकेशन करने के लिए दो मेथड है, या तो वो ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न को, जैसे कि अपने आधार ओटीपी के साथ, या फिर नेट बैंकिंग के साथ, या फिर जो दूसरे मोड स्पेसिफाई किए गए हैं। लेकिन यदि उसके पास ये मोड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो ITRV यानी कि जो रिसीट होती है रिटर्न को फाइल करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की, उसे वो साइन करके बेंगलोर भेज सकता है। लेकिन अभी तक तो यही प्रोसीजर था कि वो इसे स्पीड पोस्ट से ही भेज सकता था, लेकिन अब इसमें चेंज किया गया है। अब वो इसे ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकता है, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकता है और किसी और मोड से भी भेज सकता है, जैसे कि कोरियर कर सकता है। तो इस प्रकार यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो उस केस में आप उसे साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं, CPC बेंगलोर को किसी भी मोड से भेज सकते हैं। ये बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2024 से किया गया है। अभी तक तो ये प्रोविज़न थी कि डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ ITRV वो कंसीडर की जाती थी CPC बेंगलोर के पास, यानी कि आपने ITRV को किस दिन डिस्पैच किया है, ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड वेरीफाई कर दिया है। लेकिन अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ ITRV को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि किस दिन आपकी ITRV जो है वो मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेंगलोर में, वो डेट रेलेवेंट होगी ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड वेरीफाई कर दिया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने ITRV को बेंगलोर भेज देना है यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपके ITR जल्द से जल्द CPC बेंगलोर को मिल जाए और उसमें कोई डिले ना हो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड कर देते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो उसके बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना होता है। इसके लिए भी टाइम लिमिट को चेंज किया गया है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड कर देते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो उसके 30 दिन के अंदर यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि जिस दिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड की है उसी दिन आपने फाइल की है। लेकिन यदि आप 30 दिन के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करते हैं अपलोड करने के बाद, तो उस केस में माना जाएगा कि जिस दिन आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई किया है उसी दिन आपने उसे फाइल किया है। तो उस केस में जो लेट फीस है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है और आपकी रिटर्न इनवैलिड भी हो सकती है, जिसे कि हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे हम केस वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024 है, और यहाँ पे व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 16 जून 2024 को अपलोड करता है, तो इसके 30 डेज के अंदर उसे इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई करनी है, यानी कि 15 जुलाई 2024 तक, और वो एक्चुअली 14 जुलाई को वेरीफाई कर देता है, यानी कि ड्यू डेट से पहले वेरीफाई कर देता है। तो इस केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट मानी जाएगी वो 16 जून 2024 मानी जाएगी। इस केस में रिटर्न वैलिड रहेगी, कोई लेट फीस इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन सेकंड केस में मान लीजिए जो ड्यू डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की वो 31 जुलाई थी, यहाँ पे व्यक्ति 16 जून को फाइल करता है, तो 15 जुलाई तक उसे ITR वेरीफाई करनी है, लेकिन वो 21 जुलाई को वेरीफाई करता है, तो इस केस में रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न को विद इन टाइम फाइल नहीं किया है, यानी कि उसने वेरीफिकेशन विद इन टाइम नहीं की है। इस प्रकार इस केस में यदि वो फिर से दोबारा ITR फाइल कर देगा 31 जुलाई तक, तो उस केस में कोई लेट फीस इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेगा,
तो उस केस में उसे लेट फीस और इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब अगला केस देख लेते हैं, जहाँ पे कि 16 जुलाई को व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है तो ड्यू डेट होती है 14 अगस्त 24 आईटीआर को वेरीफाई करने की। यहाँ पे वो 13 अगस्त को वेरीफाई कर देता है, तो इस केस में जो डीम डेट है आईटीआर को फाइल करने की 16 जुलाई ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने विद इन टाइम वेरीफाई कर दी है। इस केस में रिटर्न वैलिड रहेगी। लेकिन मान लीजिए आपने रिटर्न तो फाइल किया 16 जुलाई को, वेरीफाई आपको करनी थी 14 अगस्त को, लेकिन आप करते हैं 21 अगस्त को, तो उस केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट है वो 21 अगस्त मानी जाएगी। तो इस केस में आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि आपने विद इन टाइम इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है। तो इस केस में जब आप दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी, और यदि आपका टैक्स आता है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अब देख लेते हैं कि यदि आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, यानी कि 31 जुलाई के बाद, तो यहाँ पे 16 अगस्त को टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करता है तो 14 सितंबर तक उसे आईटीआर को वेरीफाई करना है विद इन 30 डेज। यहाँ पे वो 11 सितंबर को वेरीफाई करता है, तो इस केस में आईटीआर को फाइल करने की डीम डेट 16 अगस्त मानी जाएगी, रिटर्न वैलिड रहेगी। लेकिन यदि 16 अगस्त को रिटर्न फाइल की जाती है और 14 सितंबर ड्यू डेट होगी आईटीआर को वेरीफाई करने की, या व्यक्ति 21 सितंबर को वेरीफाई कर रहा है आफ्टर 30 डेज, तो उस केस में रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी, और इस केस में व्यक्ति को दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल होगा ही, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनवैलिड रिटर्न और डिफेक्टिव रिटर्न के बीच का डिफरेंस पता करना जरूरी है। इनवैलिड रिटर्न का मतलब है कि यदि आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लायंस नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। यानी कि जैसे टाइम लिमिट दिया गया है कि आपको 30 डेज के अंदर आईटीआर को वेरीफाई करना है, यदि आप नहीं करेंगे तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि माना जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट ही नहीं किया है। तो इस केस में आपको दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करना होगा। लेकिन यदि रिटर्न डिफेक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपने रिटर्न फाइल की है लेकिन उसके किसी शेड्यूल में कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नोटिस जारी किया जाता है। नॉर्मली आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है, जो कि नोटिस में ही मेंशन होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना होता है। तो डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि इनवैलिड रिटर्न के केस में आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा दोबारा से उसे रेक्टिफाई करने के लिए, तो इस केस में आपको नई रिटर्न ही फाइल करनी होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम तभी मिलेगी यदि आप विद इन ड्यू डेट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देते हैं। तो यदि आपकी रिटर्न इनवैलिड हो गई है, आप विद इन टाइम दोबारा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर को फाइल करेंगे या आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है उसके बाद आप आईटीआर को फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, तो उस केस में आपको नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, आप पुरानी टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और जो नए चेंजेस हुए हैं आईटीआर को डिस्पैच करने से रिलेटेड या फिर उसको वेरीफाई करने से रिलेटेड, उन्हें ध्यान में रखिए और अपने क्लाइंट तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि उसका कोई लॉस ना हो। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर कैसे फाइल करनी है, इसके लिए सीए सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की है आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Sarbvir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।